गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम लोग यहाँ पे स्टेशन में खड़े हुए हैं। ये है शाहजहाँपुर का स्टेशन। तो यहाँ पे एक ट्रेन आ चुकी है जिसका नाम है जननायक एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन है, हमारी ट्रेन का नाम है त्रिवेणी एक्सप्रेस और हमें जाना है कूड़ा के, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे शाहजहाँपुर स्टेशन पर खड़े हुए हैं। शाहजहाँपुर से टनकपुर जाएंगे, फिर टनकपुर से आगे हम लोग ले लेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, जो कार वगैरह होती हैं या तो बस वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट बस होती है, उसी को ले लेंगे और फिर आगे की यात्रा बस से करेंगे। तो अभी तो हम लोग ट्रेन से चलने वाले हैं। तो हमारी ट्रेन है त्रिवेणी एक्सप्रेस, क्या नाम था इसका, 15073 है शायद, ठीक है, यही ट्रेन का नाम है। हमारे भाई आ चुके हैं, सौरभ सिंह, हम इन्हें मिलाते हैं एक बार। हाँ सौरभ भाई आ गए, सौरभ आ गए। तो गाइस हमारे साथ सौरभ भी आ चुके हैं, ये भी आए हैं गोंडा से, ठीक है। तो चलते हैं, चलियो तुम हो, तुम्हें भी ले चले यार, ठीक है गाइस। तब तक ब्लॉग में बढ़े रहे गाइस, तब तक मैं आपको स्टेशन दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए स्टेशन है, बहुत ही अच्छा स्टेशन बन चुका है। पहले तो इतना अच्छा नहीं था, अब तो काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो चुका है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। बाकी ये जो आपको दिख रहे हैं लोग, ये सब हमारे साथ में ही हैं, वो दीदी वगैरह भी हैं हमारे साथ। तो और ये ट्रेन थी, अभी हमारा एक भाई है सौरभ, वो इसी ट्रेन से उतरा है। अब ये जननायक ट्रेन है, जननायक एक्सप्रेस, ये जा रही है शायद जम्मू तभी तक जाती है। तो देख लीजिए अभी मैं जितने लोग हमारे साथ हैं सबसे मिला हुआ है, पर अभी भी यहाँ पे ट्रेन नहीं आई है, बच गया है लगभग, अभी टाइम हो गया है 6:30 हो गया है। हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, त्रिवेणी एक्सप्रेस है तो क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। ट्रेन आएगी अब 8:30 पे आएगी, और उसका ये भी कुछ पता नहीं कि 8:30 तक आएगी कि 9 तक आएगी। पहले दिखा रहा था कि 7:30 तक आ जाएगी, फिर 8:30 हुआ, अब हमें मुझे तो ये लग रहा है कि 8:30 पे भी नहीं आ पाएगी, मुझे लग रहा है कि और थोड़ा ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हम 2 बजे से आए हैं, हम लोग लगभग भाई 10-11 लोग हैं, हम लोग कज़िन वगैरह हैं, मतलब हमारे चाचा ताऊ के लड़के और 2 दीदियाँ और बाकी सारे दोस्त वगैरह भी हैं 2-3। तो देखते हैं, मज़ा आएगा खैर, अभी जो हम लोग, हमें लग रहा रात में ही पहुँच पाएंगे, तो देखेंगे फिर आगे क्या होता है। गाइस फाइनली ट्रेन आ चुकी है हमारी, मैं टाइम दिखाता हूँ आपको, टाइम देख लीजिए 10:18 पे ट्रेन आई है अपनी। हमारा है, हम लोगों ने स्लीपर में टिकट बुक किया था S3 अपना कोच, तो वही देखना है बस। तो आपको अब ट्रेन के अंदर मिलते हैं फिर, ठीक है। पहुंच चुके हम लोग, तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं। अभी टाइम हुआ है, अभी 3:15 हुआ और हम लोग पहुंच चुके हैं टनकपुर स्टेशन पे, और लगभग सारे लोग उतर चुके हैं। बाकी हमारे साथ गौरव है और ये बलराम, ये लोग बाकी हैं। कैसा लगा, अच्छा ये बताओ, मजा आया? अब देखो अब 3 हो गया है, 3:15, चलो चलते हैं फिर, आ जाओ भैया तुम्हें लास्ट बचे हो अब फटाफट। गाइस देखिए एक सीट थी, यहीं पे हम लोग बैठे थे, यहाँ पे गौरव बैठे थे पीछे, और यहीं पे हम लोग थे, हम लोग यहाँ पे दीदी थी, यहाँ पे बैठे थे कुछ लोग, यहाँ पे मेयर वगैरह लगा हुआ था, देख लीजिए, ठीक है। फिर हम सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे टनकपुर में, आप देखिए भैया कैसा लग रहा है बता, कैसा लग रहा, ठंड लग रही है? ओए कैसा लग रहा है गौरव, कैसा लग रहा है? बेटर फील हो रहा है भैया, मौसम थोड़ा मतलब पहन के आया है, मतलब ठंड लग रही नहीं लग रही, ठंड बताओ, ठंड बताओ, इतो ना है शुद्ध भाषा का प्रयोग कीजिए, आप काहे के लिए आए ये मत भूलिए। हाँ तो गाइस हम चल रहे हैं, ठीक है, आई नो कैप्चर, ठंड रखो थोड़ी देर, रुको उतार पे अब सूरज कैसे लग रही ठंड, आधा तो लोग लग रहा था, लग आधा लोग टी शर्ट लिख रही घर में।
भाई यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये सब अपने ही है। चले रहो चले रहो चले रहो, काफ़ी भीड़ है इधर। काफ़ी भीड़ बहुत ठंड लग रही है हमको। हमारे साथ गैंगस्टर हुआ, बहुत ठंड लग रही है भाई। हम सोचे थे कुछ लेके आएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं लेके आए। हमको लग रहा था ठंड नहीं लगेगी, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। बताइए भाई यहाँ क्या क्या ठंड लग रही है। तभी अब हम लोग क्या हो बताओ, अगर हम लोग क्या लेके जाएंगे, गाड़ी से आने चलेंगे कि हम लोग उससे बस से चलेंगे बताओ। पैदल की यात्रा कर रहे हैं बोलो। लड़की देख के बाल सेट, लड़की देख के बाल सेट कर रहा हूँ, लड़की देख के बाल सेट कर रहा हूँ। बड़ी समस्या यह है कि तो गाड़ी अभी हमें उतार दिया गाड़ी ने, हम भी हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए पीछे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे छोटी का चलते। तो भाइयों अभी हम लोग निकल चुके हैं। गए हम लोग कहाँ पे हैं इस टाइम, बताइए थोड़ा हम लोग कहाँ पे हैं इस टाइम। हम लोगों को गाड़ी ने उतार दिया है, हम लोग गाड़ी से आए थे। गाड़ी ने कितने रुपये लिए, 40 रुपये। हम लोगों के पर पर्सन 40 रुपये लगे हैं। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे लोकेशन तो नहीं पता, अब देख लीजिए हमारे साथ में सारे लोग हैं। हम लोग कहाँ पे इस टाइम बताया, कहाँ पे हैं बता। हम लोग इस टाइम कहाँ पे, हम लोग इस टाइम पहले खोला पे आए। गाड़ी ने उतारा हम लोगों को कितने रुपये, 40 रुपये। कोई बात नहीं, हमने दे दिया। अब यहाँ पे एक आगे पुल है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको पुल। अब स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, तो ये सब अपने भाई हैं। चल रहे यहाँ पे पुल बहुत अच्छा है, दिखा रहा हूँ मैं। इधर खाई है बहुत गहरी सी, देखो सामने गाड़ी आ रही भैया, हट जा फ्रेंड। Take me back, 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든
geçiriyor ese tamam dertir ki kaba tamam kapar yatıya दोस्तों देखिए यहाँ बहुत भीड़ है, इस टाइम काफ़ी भीड़ है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे धर्मशाला वगैरह है, ये लोग रुकने के लिए कहते हैं, आप रुक सकते हैं यहाँ पे। तिवारी जी किया देखो वो तिवारी जी, अरे सही है भैया सही है तिवारी जी। देखिए देखिए आपने गाइस देखा होगा कैसे इस तरीके से ये लोग रुकते हैं यहाँ पर, रुक जाइए मतलब, पर हम लोग कहीं ऊपर ही स्टे करेंगे जैसे कि मतलब दर्शन है अच्छे से हो जाएंगे, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा यार, वहीं पर सामान वगैरह रख देंगे हम लोग, काफ़ी लोग हैं ना गाइस। देखिए यहाँ पे ब्यूटी देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे सीन, ऊपर तक देखिए ब्यूटी, चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत ही अच्छी यहाँ पे सुंदरता है यार, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मन में शांति जाती है, अगर मन में मन की शांति चाहिए हो तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए गाइस ऐसा होता है यहाँ पे, हम लोग चलते आ रहे हैं, चढ़ते आ रहे हैं धीरे धीरे, ऊपर चढ़ते आ रहे हैं, देखिए इस बार भीड़ बहुत है, इस टाइप से स्टॉल वगैरह लगे होते हैं यहाँ पर सब कुछ है। अभी चढ़ रहे हैं ऊपर, अब भी चढ़ाइए भैया, अभी भी चढ़ाइए, चलो हम तुम सूर्य चले, उन्हें लाए क्या नहीं, उन्हें भी लिया तो उन्हें लाना था तुम्हें यार, हम क्या उन्हें लाना था, अपनी गर्लफ्रेंड को ये वीडियो कॉल कर रहे थे ना, बिल्कुल चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, जय माता दी। आराम से भैया, आराम से, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। स्टॉल देखिए कितने सुंदर सुंदर स्टॉल लगे हैं यहाँ पे, ब्लॉग बने तो मैं यूट्यूब पे दिखे सीधे का सीधे यूट्यूब पे तो मिली है वीडियो। अभी हम लोग चढ़ ही रहे हैं, चढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे यार, धर्मशाला भी हम लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं, आगे रुकेंगे जिससे कि मतलब, जय देखिए कैसे चढ़ाइए गाइस, देखिए हाँ हो जाए, जय माता की, जय माता की, आ जाओ, जय माता की, जय माता की, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा यार, हमें लग रहा है जो जाते हैं भाई जय माता की बोलते हैं, इतने समय कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो बताओ हम लोग जा रहे हैं, इतना मजा आ रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या बताएं, ये मजा नहीं आ रहा, जय माता की, देखिए आप कोई नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, जय माता की, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जय माता की, एक भैया बोले हैं हमारे जय माता की, क्यों आ रहा है कोई नहीं बोल रहा है, जय माता की, कोई बात नहीं,
दर्दन तो करवे गए। हां इधर बढ़िया ऊपर निकल, चलो ऊपर अरे तो चलते चलते आने पे पे आए पीछे। हां क्यों लगे इतने लगे गाइस, हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। यहाँ पे धर्मशाला में बहुत भीड़ थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा बैठ जाएं, तो हम लोग बैठ गए। तो देखिए यहाँ पे सब लोग बैठ चुके हैं। पांडे जी हाँ, हम लोग ने सोचा आराम कर लें, बहुत देर से भीड़ में लगे थे। कम से कम 3 मिनट का बलराम भाई, इन्होंने मतलब इतना क्या पता नहीं बता के नहीं सकते क्या क्या किया इन्होंने, लेकिन ये सबसे आगे चलते रहे, पता नहीं कौन दिन चलते रहे। और सही है, नहीं मजा बहुत आया। आपने भी कोई एनर्जी ड्रिंक ली थी क्या? नहीं, हम तो बोले ही नहीं। अच्छा, तो हम लोग यहीं पर रुक गए गाइस, अब आराम करेंगे थोड़ा, फिर चलेंगे दर्शन करेंगे जाके। जय माता की, जय माता की। कितना सुंदर व्यू, जैसे हमारी शाहजहाँपुर में लड़की थी, उसे हम फिर से बात होने लगी 3-4 दिन पहले। अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन हुए हैं, हमने नौना बताई तो उसने हमें कही कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा पुनः गिर भैया है यात्रा करने, मैंने कहा कुछ दुआओं मांगी हो, दुआ मतलब हमारे लिए मांगी हो। हमने कहा दुआओं पर हमें विश्वास नहीं है, अगर दुआएं कबूल हुई होती हैं तो आज हम तुम्हारे नहीं हुआ होते। दुआ में तुमने किसी और को मांगा लड़ा है। क्या बात है भाई, हमने प्रसाद ले लिया अभी यहाँ पे, और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए माता जी के, तो देख लिए सारे लोग फोटो खींच रहे हैं। देखिए भैया सुमित पांडे भाई, जय माता दी। हम लोग सब लोग चल रहे हैं, सबने प्रसाद ले लिया है, अब चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं भाई। अब हमने एक भाई का चश्मा मार लिया है, अब चश्मा लगा के आराम से चलेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अभी थोड़ा चलना पड़ेगा ऊपर, और आगे जो माता जी के दर्शन करेंगे वहाँ पे आपको दिखाते हैं तब तक। ठीक है, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, जो ये अभी हम लोग आ चुके हैं शारदा नदी पर। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे द्वाबा की तरफ जाएंगे, हम लोग जो कोड़ा जी वाला मंदिर था वहाँ से क्रॉस कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं द्वाबा मंदिर में, यहाँ पे भी दर्शन करना है, और यहाँ पे जो शारदा नदी है इससे भी हम लोग सोच रहे हैं, देखो अभी नहाने के बारे में सोच रहे हैं, नहा भी सकते हैं और नहीं भी नहा सकते हैं, तो हमको बताएँगे अगर आप अगर नहाएंगे तो आपको दिखाएंगे फिर हम लोग कैसे क्या करते हैं। तो मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा व्यू है देखिए। और मुझे लग रहा है कि मतलब जो सामने क्यों हमें सामने ही पुल होगा, ब्रिज सामने ही है ना, शारदा नदी वाला सामने ब्रिज पड़ेगा, तब तो हम लोग ब्रिज पे ही जाएंगे ना, ब्रिज से क्रॉस करके जाएंगे सिंधु बाबा के लिए। ये सामने आएंगे, ये सामने। अच्छा चलो, तब तक आप नदी को देख लीजिए, ये शारदा नदी है ना, शारदा नदी देखिए कितनी सुंदर है। अभी हमारे पास हैं हमारे क्या नाम तुम्हारा है, सुमित भैया, सुमित पांडे हैं, अभी कुछ बताना चाहते हैं, बताइए आप। हेलो भाई, आप हम पहुंच चुके हैं सिद्ध बाबा के दर्शन करने नेपाल में, नेपाल आ गए हम लोग, और हमारे अनुराग भाई इधर। हेलो, इनको खाना है, बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन यहाँ इनके मुंह में छाले पड़ गए हैं चलते चलते। अच्छा कैसा लगा चलने में, कैसा लगा, थक गए, थकान है? बढ़िया लगा, थकान नहीं आई है, पर मतलब सुबह से जलेबी खाना चाहते थे लेकिन अभी तक जलेबी नहीं मिल पाई है। अच्छा। तो ये कह रहे हैं आगे से बाबा वहाँ। अरे बहुत, छोड़ो ये बताओ नदी का व्यू कैसा है, नदी कैसी लग रही है, देख के बताओ। एक नंबर है। अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा गोला खाने के लिए, क्योंकि जो बस में ट्रैवल करके आए थे, ट्रैवल करने में यार पूरा मूड खराब होता है, और जो नहीं हम लोग मतलब पूर्णागिरी मंदिर था उसके नीचे से उतरे थे, तब मतलब हम लोग उससे उतरे थे, कार लेके उतरे थे, तो कार से उतरे थे, तो कार से इधर उधर मुड़ने से तो मतलब पूरा चक्कर आ जाता है ना, तो पूरा सर दर्द, पूरा सर हिला हुआ है बहुत, मतलब एक तो सो नहीं पाया सही से। ठीक है, दूसरा ये कि मतलब चक्कर भी आ रहे हैं सही से, और यही सब हो गया यार, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा मतलब मूड लाइट करने के लिए
हम लोग अब गोला खाएंगे। हमें और मेरे साथ प्रभात हैं, यहाँ पे गोला खा रहे हैं हम लोग, और बाकी लोग तो सामने गए हैं। इधर भी देखिए, पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अभी जा रहे हैं हम लोग सारदा ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए ब्रिज है, और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमारे भाई बंधु, ठीक है, और बाकी लोग आगे गए हैं। ये देख लीजिए ब्रिज, देख लीजिए आप, सारदा नदी का है ब्रिज। तुम्हारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, कैसा लगा? यहाँ पे मेरा भाई फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं पहली बार आया। तुम्हें क्या क्या देखा, तुमने यहाँ पे क्या देखा? अच्छा, मुझे यहाँ पे ये पुल का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना बड़ा पुल है यहाँ पे। अच्छा, तो पहाड़ यहाँ कैसे लगे? पहाड़ कैसे लगे? पहाड़ हमें बहुत अच्छे लगे, और यहाँ का मौसम कैसा लगा? पहाड़ में तब बहुत अच्छा लगता है, ऊपर के पास सूरज बिल्कुल छोटा सा दिखता है। यहाँ का मौसम कैसा लगता है आपको, ये बताइए? यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। और ये अभी हम आ चुके हैं पुल के इस पार आ चुके हैं, मतलब ब्रिज के इस पार आ चुके हैं। अब हम लोग इधर जाएंगे सिद्धवाबा की तरफ, और इसके बाद फिर सिद्धवाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम वापस आ जाएंगे टनकपुर। टनकपुर में ही आज रात में रुकेंगे, फिर हम लोग की सुबह ट्रेन है, फिर टनकपुर से चले जाएँगे शाहजहाँपुर। जाता हूँ आगे का। अभी हम यहाँ पर रुके थे, हम लोगों ने सोचा क्या पी लें। इसे क्या कहते हैं भैया, क्या बोलते हैं इसे? क्या? अरे इसको बोलते जलजीरा, मतलब आप लोग देख लीजिए क्या है, हमें बजाने क्या है। जलजीरा की तरफ स्वाद आ रहा है इसका। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ मार्केट में ट्रेवल कर रहे हैं। आगे सिद्ध बाबा का मंदिर है सामने, अभी हम लोग यहाँ पे टहल रहे हैं। यहाँ पे जो हमें जो गर्ल्स वगैरह होती है वो बहुत बुलाती हैं, क्या प्रभात? यहाँ पे गर्ल्स वगैरह बुलाती बहुत हैं, क्यों? यहाँ पे लड़कियाँ बहुत बुलाती हैं मगर जाने वाले का ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहने का। इधर मेरे हिसाब से मतलब लूटपाट भी हो सकती है अगर आपने मतलब ज़्यादा कुछ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग नहीं, आपके साथ लूटपाट तो नहीं होगी, ठगी हो सकती है, ठग सकते हैं आपको ये लोग। तो आगे दिखाते हैं, जब हम मंदिर गेट के सामने आते हैं, यहाँ पे सिद्धवाबा का मंदिर है, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए हैं, और यही जो मंदिर का एंट्री गेट है, इसी के अंदर जाना है हम लोगों को। अभी हम लोग गाइस इधर जा रहे हैं, लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन में लग के ही दर्शन होंगे, तो जा रहे हैं उधर। अब वो पीछे से लाइन लगी है, उधर ही पीछे लाइन में लगेंगे, फिर वो मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे। चलो भैया लाइन में लगो साहब, बहुत परेशान है, अब क्या बताओ, ये कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इतनी लंबी लाइन है, 8 बजे का अगर नेपाल बॉर्डर ना करा। तो गाइस अभी हम आप आए हैं, अभी हम सिद्ध बाबा के दर्शन करके आए हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा के आए हैं। अब हम जाएंगे टनकपुर स्टेशन पे, वहीं रात में सोएंगे, और फिर अगले दिन हम लोग सुबह, हम लोग की ट्रेन है 8 बजे की, 8 बजे हम लोग टनकपुर से शाहजहाँपुर के लिए निकल जाएंगे। फिर शाहजहाँपुर से अब सुबह 8 बजे बता दिया मैंने, फिर शाहजहाँपुर से हम लोग निकल जाएंगे ऑटो से। ओके, माँ पूर्णागिरी के दर्शन करके, और मतलब सिद्ध बाबा के। अब हम लोग इधर से ही निकल वहीं पर, आज रात भर सोएंगे, मतलब प्रसाद वगैरह तो लेंगे ना, फिर रात भर सोएंगे, फिर सुबह निकल जाएंगे शाहजहाँपुर के लिए। बस यही थी अपनी जर्नी, बहुत मज़ा आया।